अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस का डंडा अब चलने लगा है। आपको बता दें कि अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा कल्लू पुत्र राम बाबू निवासी स्टेशन रोड भोजपुरा थाना दक्षिण फिरोजाबाद को गाँव मुस्तफाबाद नई रेलवे लाइन पुल के नीचे कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 80 लीटर कच्ची शराब और 100 लीटर लहन भी बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सर, आज किस तरह का खुलासा किया गया है आपके द्वारा? ये प्रकरण थाना रसूलपुर से संबंधित है, जहां एक अवैध शस्त्र के साथ पवन नामक व्यक्ति की फोटो वायरल हुई थी। उस पर कार्रवाई करते हुए उसके अवैध शस्त्र को बरामद किया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के अनुक्रम में एक अभियुक्त टिंचू को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध असलाह बनाने का कार्य करता है, और उसकी निशानदेही से 3 बने हुए और 1 अधबने तमंचे वगैरह कुछ बरामद हुए हैं, और उसमें अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद हुए हैं। इसमें और कौन संलिप्त है, इस संदर्भ में भी पूछताछ इनसे की जा रही है और इसमें फर्दर एक खुलासा और किया जाएगा। फिलहाल ये जो असलाह बनाने के ये उपकरण बरामद हुए हैं, इन सबको पर्याप्त सबूतों के साथ अभियुक्त टिंचू और पवन को यहाँ जेल भेजा जा रहा है और न्यायिक अभिरक्षा में इनको लिया जा रहा है। सर, दोनों गिरफ्तार कर हुए अब तक किस तरह के और भी मुकदमे हैं अंदर? ये भारी मात्रा में इनका आपराधिक इतिहास मिला है, लगभग 15 मुकदमे हैं इस पे अभियुक्त टिंचू पे, और इनको पर्याप्त सबूतों के साथ न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब ये पूछताछ इनकी चल रही है, विवेचना के क्रम में चीजें आएंगी और आपको अवगत कराया जाएगा। टीम को इनाम इनाम के लिए रिकमेंड किया जा रहा है।